आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाई इज पेरिपेटस कॉल्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स? पूछा गया है पेरिपेटस को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है एनीलिड्स और आर्थ्रोपोड के बीच में। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दोनों या फिर दो सक्सेसिव टैक्सोनॉमिक ग्रुप के कैरेक्टर्स जो है वो बने हुए रहते हैं या फिर प्रेजेंट रहते हैं, और जो दो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स रहते हैं इससे ये साबित होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या फिर लिंक करता है दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप को। जैसे यहाँ पे पेरिप्लेटस है, तो पेरिप्लेटस का अगर बात करें तो इनमें एनीलिड्स और आर्थ्रोपोड्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? तो इनके अगर कैरेक्टर्स का बात करें तो एनीलिड्स जैसे इनके पास कैरेक्टर है वो है नेफ्रिडिया, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एनीलिड्स में पाए जाते हैं। और दूसरा है कि इनके जो अपेंडिजेस होते हैं ये अनजॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म है, और ये हो गया दो एनीलिड्स का कैरेक्टर। आर्थ्रोपोड्स के इनके पास क्या कैरेक्टर्स होते हैं? तो आर्थ्रोपोड्स जैसे इनके पास हेमोसिल रहता है, जहाँ से क्या होता है कि सर्कुलेशन होता है, और ये आर्थ्रोपोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एनीलिड्स में नहीं प्रेजेंट रहता है, और यहीं से सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे हेमोलिम्फ जो है वो क्या होता है, वो पाया जाता है या फिर सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है ट्रैकिया, जो कि क्या है, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इंसेक्ट्स के या फिर आर्थ्रोपोडा के, और यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है या फिर ट्रैकिया जो है ये पाया जाता है कहाँ पे, तो पेरिपेटस के अंदर। इसी वजह से पेरिपेटस को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि उनके पास दोनों एनीलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।